वैशाली द आईटी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। चाहे हमारा लैपटॉप हो या अपना पर्सनल कंप्यूटर हो, हम यूज करते हैं, लेकिन हमें एक चीज हमेशा रहती है कि इसमें एंटीवायरस नहीं है तो इसमें वायरस आ जाएगा। और काफी सारे लोग हमें डराने वाले भी मिल जाते हैं, अरे यार आप एंटीवायरस यूज नहीं कर रहे हो, अगर ये आपका डेटा चोरी हो गया तो या उड़ जाएगा या हैकिंग हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फ्री में सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं, या तो कोई अगर सजेस्ट करे तो हम उसको परचेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका काम नॉर्मल है, मतलब आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, आप नॉर्मल कॉलेज वगैरह का काम कर रहे हो, तो मैं आपको एक ऐसा सजेशन दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं और आपको एक अच्छा खासा एंटीवायरस सजेस्ट करने वाला हूँ। और हाँ, ये एंटीवायरस सजेस्ट कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ पे करना है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा लौता एंटीवायरस है जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं लिंक भी नीचे फ्री में ही दे रहा हूँ, मुझे भी आपको कुछ पे नहीं करना है और ना ही ये जो वायरस का सॉफ्टवेयर बनाया उस कंपनी को भी आपको पे करना है। वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक करिएगा और नीचे उसके पूरे डिटेल और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अब ये जो एंटीवायरस है वो एंटीवायरस बिल्कुल एकदम छोटा सा एंटीवायरस है, आपके पीसी में इतनी आसानी से चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस एंटीवायरस की सबसे खास बात यह है कि आपके अगर 2 GB का रैम का भी कंप्यूटर होगा तो भी उसको आराम से चलेगा। और इसका जो लेआउट है वो भी जैसे ही हम वेबसाइट ओपन करेंगे इस तरीके से आएगा। ये एंटीवायरस का नाम है क्लेम विंग फ्री एंटीवायरस। ये एंटीवायरस लिनक्स में बना हुआ है और बिल्कुल फ्री है, और इस एंटीवायरस के दुनिया भर में 6 लाख से ज़्यादा यूज़र भी है। और ये एंटीवायरस के बारे में क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्री है और मैंने खुद यूज़ किया है और आज भी मैं मेरे कंप्यूटर में इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दूसरा, इस एंटीवायरस की खास बात ये है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। हम कोई अगर फ्री एंटीवायरस या वगैरह जो पेमेंट वाला होता है कि आप पहले यूज़ करिए और 1 महीने बाद आपको फ्री स्प्रे करना है ऐसा, तो इसमें ऐसा कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, ना ही आपको कोई सजेशन आता है कि आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या आप तो इसमें इस तरीके का करिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस तरीके का कुछ भी नहीं। अब इस एंटीवायरस के जब आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, मतलब कि किस तरीके का दिखता है, तो आपको नॉर्मल स्टाइल का दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ओल्ड मतलब अभी के जो हाईफाई जीयू है, क्योंकि ये जो कंपनी है, मतलब ये जो बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने यही डिसाइड किया है कि इसको जितना सिंपल और मिनिमाइज रखेंगे उतना ही ये काफ़ी फास्ट काम करेगा। जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का पूरा लेआउट मिलेगा और इस तरीके के सेटिंग्स मिलेंगे और ये एकदम इजी है। इसकी अच्छी बात ये कि ये है कि हर 5 या 6 दिन में वो अपने आप अपडेट हो जाते हैं, मतलब हर 5 दिन में अपने आप अपडेट हो जाता है। और ये एंटीवायरस पूरे लाइफ टाइम फ्री है, मतलब आपको कभी भी पे नहीं करना है। मैं बार बार आपको फ्री का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पहला एंटीवायरस, मैंने कितने सारे एंटीवायरस ट्राई किए, सभी एंटीवायरस में कहीं ना कहीं वो हिडन हो रहता है कि थोड़े टाइम बाद आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि अभी आपको पे करना है, नहीं तो आपको ये फीचर नहीं मिलेंगे। इसको मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, 2 महीने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और इसमें हर 5 दिन में अपने आप अपडेट भी आ जाता है। इस एंटीवायरस की दूसरी बात यह है कि अगर आपका पीसी में सिर्फ 2 GB का रैम है या आपका 2 GB से भी कम रैम है तो भी सपोर्ट करेगा। दूसरा कि विंडोज़ 98 के बाद जितने भी वर्जन आए वो सारे वर्जन में सपोर्ट करता है, मतलब आपके पास अगर 2010 होगा तो भी सपोर्ट करेगा, विंडोज़ XP होगा तो भी सपोर्ट करेगा, सर्वर OS होगा तो भी सपोर्ट करेगा। तो हर तरीके से आपको इसमें फ्री मिलता है। दूसरा कि इसका जो बनावट है, मतलब कि इसमें एक अलग तरीके की सिस्टम दी गई है कि इसमें आपको रियल टाइम स्कैनिंग नहीं दी गई। अब रियल टाइम स्कैनिंग टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि सिंपल में क्या होता है कि हमारे जो पीसी में एंटीवायरस होता है वो क्या करता है, बैकग्राउंड में चलता ही रहता है बार बार, जिसकी वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाता है। ये एंटीवायरस इस तरीके से काम करता है कि अगर आपके पीसी में कहीं पर भी वायरस आ गया है तो भी ये एंटीवायरस अपने आप चेक नहीं करेगा। जब तक आप जो प्रोग्राम, मतलब जहाँ पे भी वायरस की फाइल पड़ी है वहाँ पे आप जब यूज़ करने जाओगे तब आपको ओपन करने से पहले ही बता देगा कि इसमें वायरस है और इसको रिमूव करना पड़ेगा, और तब जाके इसको रिमूव करेगा। तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, आपके पीसी में एंटीवायरस है लेकिन आपको कभी महसूस नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोग्राम रन नहीं होते हैं, वायरस होते हैं तो उसको रिमूव कर देता है, उसके बाद ही आपको ये प्रोग्राम एक्सेस करने को देता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये काफ़ी फास्ट काम करता है। और इसका ओवरऑल जो साइज़ है वो सिर्फ 165 MB का है, मतलब एक मूवी से भी छोटा है एंटीवायरस का साइज, और ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है। अब ये जो एंटीवायरस का आपने देख लिया ये तो एकदम सिंपल एंटीवायरस है, तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए आप पैसे भी पे करने वाले हो या कोई भी फ्री एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देता। तो होगा क्या कि जो फ्री एंटीवायरस यूज़ करते हो उसमें आपको कहीं ना कहीं से आपको एडवर्टाइजमेंट आएगा या 1 महीने बाद आपका अपडेट होना बंद हो जाएगा, तो अपडेट होना बंद हो जाएगा तो उसके बाद आपके नए जो है डेफिनेशन वगैरह नहीं मिलेंगे, आप फिर से उसको फॉर्मेट करोगे ये करोगे।
इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है और लाइफ टाइम, मतलब कि कम से कम 2 या 3 साल से तो ये चल रहा है, जिसमें अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा है और ऊपर किसकी वेबसाइट पर भी कम्प्लीटली लिखा है। और पिछले 2 महीने से मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी कभी कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसा प्रीमियम या पैसों का आया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको यूज़ करिए और आपके जो फीडबैक है मुझे शेयर करिए, तो मुझे भी पता चलेगा और दूसरे जो लोग हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी पता चलेगा कि इस तरीके से फ्री एंटीवायरस मिल रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसमें जो बताई इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए।